Hello students, welcome back to our channel Gyan Manjri Online Education. I hope you all are fine and safe at your home. So my dear all students, today onwards we are moving with our new topic and that is simple tenses. So let's go with it. So here students, we have one video and in that video we have the conversation between these two girls. Okay, so kindly watch this video very carefully, that what is the conversation and how the mistakes are there, which kind of mistakes are there. Okay. So students, here you can see verbs, it has two sub verbs. तो कैसे कैसे verb हो सकते हैं, तो action words, जैसे कि कुछ action, कोई sentence में particular action हो रही है तो वो हुई हमारे action words. For example, walk, चलने की, read करने की, dance करने की, cook करने की और jump. So these all are the action, कुछ action हो रही है. And the another part, that is state of being, means to be form, right? जैसे हम लोग helping verb या फिर to be के form भी कहते हैं, तो वो है हमारे state of being. For example, am, is, are, was, were, तो ये सारे हैं to be के forms, okay? सारे tense के मिलाकर ये सारे हैं. Am, is, are, was, were, will, shall, तो ये सारे state of being हैं. पर उसके sub tenses में, फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपल टेंस है तो उसमें कैसे कैसे आ सकते हैं तो वो हम देखेंगे. ओके, तो यहाँ पर ये बोल रही है कि ये तो सारे वर्ब है, मुझे मालूम हो गया, पर अगर कुछ एक्शन हो गई है तो उस वक्त हम सेम वर्ब यूज करेंगे या फिर कुछ फ्यूचर में एक्शन होने वाली है तो उसके लिए हम कैसे वर्ब यूज करेंगे, कुछ चेंज होगा. Okay. Now, I have understood the tenses and when to use which tense. Yes, but there is more to it. We have looked at the state of being verbs. Now, let us look at how actions are. तो हमने जो कुछ भी example देखे, for example, I am tall, I was tall and I will be tall. तो ये सारे हुए हमारे state of being. तो वो सेंटेंस पर जो हमने एक सेंटेंस का तीनों टेंस में ट्रांसलेट किया, ट्रांसफॉर्म किया, सॉरी,
तो उसमें कुछ एक्शन नहीं हो रही थी. सो लेट्स सी फॉर एक्शन वर्ब्स. सो हियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव सिंपल टेंसेस. ओके, टेंसेस के सब टेंसेस जैसे होते हैं, सिंपल टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, कंटिन्यू परफेक्ट टेंस. तो यहाँ पे सिंपल टेंस है, तो देखते हैं क्या है यहाँ पे सिंपल टेंस. चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, चेक इफ दिस सेंटेंसेस आर करेक्ट. जितेश राइडेड हिज बाइसिकल. That is the first and the second. Jitesh rode his bicycle. So students, here can you see anything? Which sentence is correct? You have time. So first, let me give you one clue that in the verb there is a kind of mistake. So find it out. So the first verb Rided in the first sentence, पहले सेंटेंस में जो वर्ब यूज किया गया है राइडेड वो रॉन्ग है. और जो राइड का पास्ट फॉर्म है वो क्या है? रॉड है. जितेश रॉड हिज बाइसिकल. सो वी लर्न दैट फॉर द पास्ट टेंस वी एडेड ईडी और डी ओनली टू रेगुलर वर्ब. तो यहाँ पे जो वर्ब है, जब हम पास्ट सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट में क्या है? रेगुलर वर्ब है. तो रेगुलर वर्ब में हम लोग जो मेन वर्ब है उसके बाद ईडी या फिर डी लगाएंगे, राइट? तो वो कौन सा रूल है? रेगुलर वर्ब वाला है. पर जब इरेगुलर वर्ब आते हैं तब ऐसा कुछ नहीं होता है. तो वैसे ही यहाँ पे है कि फर्स्ट सेंटेंस में राइड जो है तो वो मेन वर्ब है पर उसके बाद ईडी लगा दिया है. सो दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि वो जो राइड वर्ब है, राइट, तो वो हमारा इरेगुलर वर्ब है. तो यहाँ पर हम रेगुलर वर्ब की डेफिनेशन इम्प्लाई नहीं कर सकते. सो दिस फर्स्ट सेंटेंस इज इनकरेक्ट बिकॉज राइड इज एन इरेगुलर वर्ब. ओके, सो फॉर रेगुलर वर्ब वी एड ईडी, राइट? कैसे? फॉर एग्जाम्पल वॉक है तो उसका पास्ट क्या है? वॉक्ड, राइट? डब्ल्यू एल के वॉक मतलब चलना, फिर डब्ल्यू ए एल के ई डी वॉक्ड मतलब चला, तो वो हुआ हमारा पास्ट. पर जो ईडी हम लोग ऐड करते हैं, सब में ईडी नहीं ऐड करते, जो ईडी ऐड करते हैं वो हुआ हमारा रेगुलर वर्ब. So here you have the example taste. तो tasted, तो यहाँ पे d ही सिर्फ add किया है, वैसे ही verb है यहाँ पे. Dance का danced, call का called and ask का asked. तो यहाँ पे first दो verb में d add किया है और last दो में ed add किया है. तो ये हुआ है हमारे regular verbs. So what are our irregular verb? Irregular verb कैसे होते हैं? चलो देखते हैं. For irregular verbs the past tense is different. कैसे? For example verb है हमारे पास और उसका past tense है. Choose का chose होता है, slip का slept होता है, write का wrote and know का knew. जैसे कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं, मैं खाना खा रही हूँ, मैंने खाना खाया. तो वो जो चेंजेस है
अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चेंजेस होते हैं, तो यहाँ पर वर्ब में चेंजेस होगा क्योंकि वर्ब ही शो करता है कि ये कौन सा टेंस है, राइट? तो यहाँ पे जब हम लोग ऐसे यूज करेंगे रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब्स, ओके स्टूडेंट्स? सो हियर यू हैव रेगुलर एंड इरेगुलर. सो फॉर मोस्ट इरेगुलर वर्ब्स द प्रेजेंट टेंस इज रिटन जस्ट लाइक रेगुलर वर्ब. रेगुलर वर्ब टेस्ट, टेस्ट या फिर टेस्ट्स, एंड इरेगुलर में चूज का चूज या फिर चूजेस. तो इरेगुलर वर्ब्स में प्रेजेंट टेंस जब लिखते हैं तो वो रेगुलर वर्ब में ही लिखते हैं, मतलब कि मेन फॉर्म, मेन वर्ब का जो फॉर्म होता है वही हुआ हमारा प्रेजेंट टेंस ऑलमोस्ट. और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टेस्ट्स एंड चूजेस, तो वो कब लगाया जाता है? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तब. ओके, सो यहाँ पे टेस्ट और टेस्ट, टेस्टेस एंड चूज, तो चूजेस, तो हम लोग बात कर रहे थे कि थर्ड पर्सन में यूज होता है. तो देखते हैं थर्ड पर्सन मतलब कैसे होता है. थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट. उसके साथ जब प्रेजेंट टेंस में वर्ब आते हैं तब हम लोग यूज करते हैं उसके साथ ई एस या फिर एस. यहाँ पे ऑलरेडी ई है इसलिए सिर्फ एस ऐड किया है, वरना ई एस भी हम लोग ऐड करते हैं, राइट? एस या फिर ई एस ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल. ओके, सो प्रेजेंट टेंस ही है हमारा मेन फॉर्म. सो फॉर ऑल इरेगुलर वर्ब द फ्यूचर टेंस इज रिटन लाइक रेगुलर वर्ब्स बाई एडिंग विल. ओके, तो यहां पे फॉर ऑल इरेगुलर वर्ब्स फ्यूचर टेंस की बात करें, फ्यूचर टेंस की बात की है यहां पे स्टूडेंट्स, तो फॉर फ्यूचर टेंस ऑल इरेगुलर वर्ब जो है, फॉर ऑल इरेगुलर वर्ब्स द फ्यूचर टेंस इज रिटन लाइक रेगुलर वर्ब बाई एडिंग विल. तो इरेगुलर वर्ब में क्या आएगा? रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब में विल के साथ उसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे. कौन से टेंस में? फ्यूचर टेंस में. फॉर ऑल इरेगुलर वर्ब्स मतलब कि सारे इरेगुलर वर्ब्स के लिए द फ्यूचर टेंस इज रिटन कैसे लिखते हैं? लाइक रेगुलर वर्ब्स. जैसे रेगुलर वर्ब्स लिखते हैं वैसे ही इरेगुलर वर्ब्स लिखते हैं किसमें? फ्यूचर टेंस में. पर हमें क्या ऐड करना है? विल ऐड करना है, विल या फिर शैल, वो हम ऐड करेंगे. कौन से टेंस में? फ्यूचर टेंस में. ओके, सो दैट इज योर पॉइंट इन फ्यूचर टेंस. देन अगर यहाँ पे फिर से बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, तो फॉर मोस्ट इरेगुलर वर्ब, सारे इरेगुलर वर्ब के लिए हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसमें ही हम लोग ये यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? एस या फिर ई एस. थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही, शी एंड इट. तो इसके साथ ही हम लोग क्या यूज करेंगे? एस या फिर ई एस यूज करेंगे. ओके, प्रेजेंट हो गया हमारा, पास फ्यूचर हो गया. ओके, सो हियर नोट डाउन दिस फॉर्म्स इन योर नोटबुक. यस स्टूडेंट्स, तो ये आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है. क्या है ये? एक चार्ट है जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर शो करता है. फॉर एग्जाम्पल आई है तो उसके साथ क्या लिखते हैं? वॉज वेर है, वो पास्ट फॉर्म के टू बी के फॉर्म है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब है. तो कौन कौन सा है? वॉज जो सिंगुलर है, कौन सा सिंगुलर है? ये सिंगुलर है, आई सिंगुलर है, फिर ही शी है वो भी सिंगुलर है, इट है वो भी सिंगुलर है, ये क्या है? प्लूरल है. और ये भी क्या है? प्लूरल है.
तो उसके साथ हम लोग वेर यूज करेंगे, राइट। और प्रेजेंट में आई सिर्फ एम आई के साथ ही यूज करेंगे, यू के साथ आर यूज करेंगे, ही इज शी इज वी आर एंड दे आर। कभी सुना है आई आर आया? नहीं आया, क्योंकि यही उसका फॉर्म है। यू इज कभी नहीं आता है, शी आर नहीं आता है। तो ये एक चार्ट है दैट यू हैव टू राइट डाउन। आई विल बी, यू विल बी, शी विल बी, ही विल बी, वी विल बी एंड दे विल बी। सो दिस आर द फॉर्म्स ऑफ टू बी। ओके, स्टेट ऑफ बींग जिसे बोलते हैं वो है ये। ओके, सो हियर यू हैव वन प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड देयर टेंसेस। तो आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना है, कौन सा वर्ब है और उसका टेंस क्या है। ओके, चलो देखते हैं। सीमा प्लेज हॉकी, तो यहाँ पे वर्ब मतलब एक्शन, कौन सी एक्शन हो रही है, खेलने की एक्शन हो रही है। तो ये हुआ हमारा वर्ब। और चलो याद करो एस ई एस कब लगाते हैं, प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं। तो यही है हमारा प्रेजेंट टेंस, राइट। आपको पूरा लिखना है प्रेजेंट टेंस। देन आई विल गो टू द बैंक, तो देखो यहाँ पे क्या आ सकता है, विल गो, राइट। तो ये हुआ हमारा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर। देन अदा वॉक अप अर्ली, वॉक अप उठना, वेक अप मतलब उठना, वॉक अप मतलब उठा। तो वो कौन सा टेंस हुआ हमारा, पास्ट, वेरी गुड। ओके, सो लेट्स चेक द आंसर। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर और सिंपल पास्ट। तो ऐसे आपको आंसर्स भी लिखने हैं और जो आपके वर्ब है उसके नीचे अंडरलाइन भी करना है। ओके, सर्कल भी कर सकते हो। अगेन यू हैव दिस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आई डैश द स्कूल 2 years अगो, 2 साल पहले की बात है। तो पहले हुआ वो हमारा फ्यूचर हुआ या फिर पास्ट टेंस हुआ, विल ज्वाइन आएगा या फिर ज्वाइन आएगा, ज्वाइन आएगा। क्यों? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट। आई ज्वाइन द स्कूल, मैंने ये स्कूल ज्वाइन की 2 साल पहले, 2 years ago। देन नेक्स्ट, तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये होगा। नेक्स्ट, माई पेरेंट्स डैश फॉर अ वीक फॉर अ वॉक डेली। माई पेरेंट्स गॉड, तो कभी ये तो ऐसा कोई वर्ब है ही नहीं, तो ये गलत है। तो कौन सा राइट आंसर हुआ, गो, माई पेरेंट्स गो, राइट। तो हमारा सही आंसर है गो। द टीचर डैश द आंसर, द टीचर टोल्स, टोल्स को भी आता ही नहीं, तो माई टीचर विल टेल द आंसर। ओके, सो लेट्स चेक द आंसर्स। आई ज्वाइन, माई पेरेंट्स गो एंड द टीचर विल टेल। तो ये भी आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। ओके, ये भी लिखने हैं, ये भी लिखने हैं, वो पहले चार्ट बोला था वो भी करना है आपको। ओके, और ये भी करना है आपको कि सेंटेंस बनाने हैं आपको, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ब इन द टेंस मेंशन्ड विद इन ब्रैकेट। रन ये वर्ब है, तो ये वर्ब का यूज करके आपको 2 sentences बनाने हैं। ओके, 1 से 2 sentences बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ब रन। Then the second is cook. My mother cooks delicious food. तो वो हुआ हमारा present tense, पर आपको बनाना है simple future tense। और be है तो simple present tense। देखो be मतलब यहाँ पे क्या लेना है आपको, simple present tense है तो am,
इज या फिर आर। इसका यूज करके आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, कभी आपको ब्रैकेट में भी बी दिया गया है तो अकॉर्डिंग टू द टेंस यू हैव टू राइट डाउन द टू बी के फॉर्म। ओके, सो पहले सेंटेंस में पास्ट टेंस का बनाना है सिंपल पास्ट, यहां पे आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा। ओके, रन, कुक एंड बी, सो दैट इज योर होमवर्क। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो आपके लिए है, पर इसके अलावा भी आपको बनाना है। दिस आर द एग्जाम्पल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स हियर वी आर गोइंग टू एंड अप अवर टूडेज लेक्चर। विल मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग दिस यू आर फ्री टू आस्क मी। थैंक यू माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, एंड हैव अ नाइस डे।